आज का दिन बहुत 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 अच्छा होने वाला है क्योंकि फाइनली 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 आफ्टर सो मेनी मंथ एंड आफ्टर सो मैनी वीकेंड्स फाइनली वी आर गोइंग आउट ऑन वीकेंड तो जी आपको जैसे कि पता है कि मस्कत में यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है नाउ वी कैन गो एनी वेयर वेर एवर वी वॉन्ट टू गो अभी ऐसा ऐसा यहाँ पर सारी चीज़ें रूटीन पर आना शुरू हो गई हैं हम भी आज फ्राइडे को फाइनली मैं तैयार होकर अच्छे से रेडी होकर घर से निकली हूँ आई टेल यू गाइज कितने वीकेंड्स के बाद मैं तैयार हुई प्रॉपरली जैसे मैं एवरी फ्राइडे तैयार होती थी और फिर हम लोग बाहर जाते थे घूमते थे खाते थे पीते थे इन्जॉय करते थे आज बहुत दिनों के बाद मैं वो करने वाली हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कहते हैं ना जब बहुत टाइम के बाद आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है तो सबसे पहले हमने स्टॉप किया है यहाँ पर जूस लेने के लिए तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है वाटरमेलन जूस और हस्बैंड अपने लिए किट शेक मंगवाया है तो मेरी जो डाइट थी नाइन डेज़ का क्लिनजिंग प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है फाइनली फ़ाइनली कल लास्ट डे था तो आज मैं अपने दिन का स्टार्ट कर रही हूँ वाटर मेलन जूस के साथ सबको पता है कि वाटर मेलन में कैलरीज नहीं होती मैंने इसमें स्ट्रिक्टली उसको बोला था कि चीनी नहीं डालने सिर्फ वाटर मेलन डालना है दट सेट तो अभी मैं जूस पीने वाली हूँ ये मेरा नाश्ता भी हो जाएगा क्योंकि आज सुबह लेट उठे फिर घर से तैयार होते निकलते टाइम हो गया हस्बैंड नाश्ता कर चुके थे उन्होंने खाया था जी नाश्ता किया था घर पर ही मैंने यह जूस पिया है और आई एम हैविंग अ ग्रेट डे ऑलरेडी और यकीन करें इतने दिनों बाद इन रोड्स पर आकर इन जगहों पर आकर इतना अच्छा लग रहा है ना है ना कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि कितने महीनों से हम लोग सीब में स्टक थे जो मस्कत के साइड के थे वो साइड पर स्टक थे हर किसी को कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं थी तो मेरा जो एक चक्कर लगता था वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर पर जाने के लिए लगता था और इसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं जाती थी आज इन रोड्स पर आकर यकीन कर इतना अच्छा लगा लास्ट तीन चार महीने से हम अपने ही एरिया में घूमते थे बस और वही चीज़ें बार बार देखते थे और अब इन रोड्स पर आकर इन जगहों पर आकर शकीन करें आंखों को और दिमाग को क्या सुकून मिला मिलाए कहाँ गाइज़ तो अभी मैं जा रही हूँ एक स्टोर पर जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मुझे यहाँ से चीज़ें ले लेनी है लेनी है पहले मैंने रमज़ान में सोचा था आने का लेकिन फिर लॉकडाउन था आपको इजाज़त नहीं थी यहाँ से वहाँ जाने की वहाँ से यहाँ आने की तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चले मैं कुछ चीज़ें लेती हूँ अपने किचन के लिए जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं ले पा रही थी क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बंद था तो आप कुछ भी नहीं ले पा रहे थे ग्रोसरी स्टोर्स के भी इवन जो किचन सेक्शन या कटलरी यूटेंसिल सेक्शन से वो भी बंद थे कि आप कुछ भी नहीं ले पा रहे थे तो ये एक जो स्टोर है जिसको इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी मुझे उनकी चीज़ें बड़ी यूनिक लग रही थी बड़ी अच्छी लग रही थी तो आज मैंने हस्बैंड को बोला कि यहाँ चलते हैं हमारी ड्राइव भी हो जाएगी मैं थोड़ी सी चीज़ें भी ले लूँगी घर की और मुझे अच्छा भी लगेगा जो मैं अपने घर के लिए कुछ खरीदूँगी तो तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टोर पे जिसका नाम है इजी लाइफ मस्कत और यहाँ की जो चीज़ें वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही हटकर है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेल भी लग चुकी है तो चलिए अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया है सो so, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है जो कि मैं ऑनलाइन देख रही थी तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई थी लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं कोशिश करूँगी मैं वही लूँ जिनकी मुझे ज़रूरत भी है तो यहाँ पर ये फ्रेम्स हैं जिनसे आप अपना कमरे को बहुत अच्छे से एक लुक दे सकते हैं आई एम थिंकिंग टू डू समिंग विद माई एंड रूम तो शायद मैं यहाँ से बाद में आकर कुछ लूँ अभी तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस सेक्शन की चीज़ें जो हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक के हैं इनको बैम्बू प्लास्टिक बोला जाता है आई डोंट नो ये इस प्लास्टिक की क्या खासियत है क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होता मेरे घर में कोई प्लास्टिक की चम्मच प्लेट ये वाली चीज़ें नहीं हैं जब तो भी हम खाना खाते हों या कुछ ग्लास वगैरह यूज़ करते हों तो प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं मैं परचेज़ करती लेकिन अगर आपके घर में ये यूज़ होती हैं चीज़ें और जिनको पता है कि बैम्बो प्लास्टिक क्या होता है तो वो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी इनकी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ के ना लूँ ये सही होंगी सेफ़ हैं कि नहीं हैं तो उस वजह से फिर मैंने इनको छोड़ दिया लेकिन अदरवाइज़ ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेस थी डिशेज थी प्लेट्स कप बाउल्स से और कप से ग्लास से सब के सब बहुत ही अच्छे थे बहुत ही कलरफुल वेरी प्रिंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पे नीचे बाउल्स भी है जिनके साथ बड़े अच्छे वुड के ढक्कन भी दिए गए थे जिनकी जिनको यूज़ करने से इनकी लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाती थी तो मुझे ये सारा सेक्शन बड़ा अच्छा लगा लेकिन वही कन्फ्यूजन ये थी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर आपको ढेर सारे वास मिलते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलती है घर पे रखने के लिए और मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद स्टैचूस और ये वाली चीज़ें लेकिन कुछ लोगों को पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें रखना तो दे कैन कम एंड बाय मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल प्रेफर नहीं करती अपने घर पर रखना तो मुझे तो ये कुछ ख़ास अट्रैक्ट नहीं की लेकिन आई हैव सीन पीपल जिन्होंने इन में फ्लावर्स वगैरह लगा कर उनको इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स टैग की हुई थी ये कैंडल होल्डर्स हैं लाइट होल्डर्स हैं इन पर भी फिफ्टी परसेंट ऑफ था तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बेडरूम में नहीं रख सकते ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्टूडियो में आपके वर्क स्टेशन के पास आपके वर्क प्लेस में ही अच्छी लगती हैं तो यहाँ का ये जो सेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अगर आप में से कोई अपने घर में अपना कोई सिंगल है तो अपने रूम को रेनोवेट करना चाह रहा है कुछ बहुत ही गर्ली और बहुत ही हटकर चीज़ें रखना चाह रहा है तो वो ज़रूर यहाँ पर आइएगा ये सब चीज़ें बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही थी तो मुझे यहाँ पर जो कुछ चीज़ें अच्छी लगी वो मैं आपको बताऊँगी और ज़्यादा जो हॉल है वो मैं घर जा कर ही दिखाऊँगी तो यहाँ से मैं एक कैंडी जार ले रही हूँ जिसमें मैंने सोचा है कि सौंफ और इस तरह की चीज़ें रखने में आ, काम आएगा मुझे तो ये पूरा रेंज थी जहाँ पर ये सारे कैंडी जार्स और गेंड... वो जो शुगर पॉट स्टाइल और पॉट पुरी स्टाइल रखने के जो बॉल्स होते हैं वो पड़े होते हैं तो इनमें से मैं कोई अच्छा सा देख के ले लूँगी जिसमें मैं अपने घर में सौंफ और सुपारी या तुलसी वगैरह जो मेरे पास घर में पड़ी होती हैं उनको मैं इसमें डाल के रखूँगी ताकि जब दिल के यहाँ खोला निकाला और खा लिया तो मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा है तो मैं ये ले लिया है मैंने इसके अलावा यहाँ पर पायरेक्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है इतनी बड़ी क्या टेल यू मैंने किसी भी स्टोर में पायरक्स की इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं देखी यहाँ पर पायरस की डिशेस बाउल्स मेजरिंग कप्स मेजरिंग डिशेस मेजरिंग ग्लास उनके जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं वो बेकिंग के डिशेस सब के सब बहुत बड़ी रेंज में थी और सब पे सब पे फिफ़्टी परसेंट ऑफ था तो मुझे इनमें से चाहिए दो डिशेस जो कि मैं लेने वाली हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ली है और सब पता है कि बेकिंग में अगर कोई डिश सबसे ज़्यादा कोई ब्रांड यूज़ होता है तो वो पायरक्स ही है तो मैं देखती हूँ कि यहाँ से मुझे क्या लेना है आपको एक ओवरव्यू देते हैं फिर दूसरे सेक्शंस में लेके चलते हैं और वहाँ का भी एक ओवरव्यू दिलवाते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन था जहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी के और बहुत ही यूनिक माइक्रोफाइबर क्लॉथ देखने को मिल रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनमें ऐसी क्या खास बात है क्योंकि पीछे तो काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा हुआ था और यूजुअली जो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेती हूँ वो आम मार्केट से जो हमें मिलते हैं मैं वो वाले लेती थी लेकिन इनके बारे में बड़ा लिखा हुआ है सोफे के लिए अलग है ज़मीन के लिए अलग है वॉश मेसिन क्लीन करने के लिए सिंक क्लीन करने के लिए यू डोंट नीड एनी लिक्विड यू डोंट नीड एनी सोल्यूशन तो मैंने कहा इसको एक लेना चाहिए ट्राई करना चाहिए देखना चाहिए क्या ये वाकई काम करता है क्योंकि आजकल मैं कुछ वीडियो देख थी जिनमें खाली माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज करते हुए दे कैन क्लीन एनी थिंग लाइक टैब से लेकर फ्रिज के हैंडल से लेकर विंडोज तक विदाउट एनी सॉल्यूशन वो सो क्लीन कर रहे थे तो मुझे लगा मुझे इसको लेना चाहिए ट्राई करना चाहिए इस सेक्शन में ये लॉन्ड्री बैग्स बड़े अच्छे हैं और मैं यहाँ से एक लॉन्ड्री बैग लेने वाली हूँ बड़ा वाला जिसमें मैं अंडर गारमेंट्स को धोने के लिए यूज़ करूंगी साथ एक सेक्शन था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जार्स, बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें थी मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जार्स बॉटल ऑलरेडी मेरे पास बहुत हैं लेकिन अगर आप में से कोई काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा है इस तरह के स्पाइस रैक को या इस तरह की चीज़ों को तो यू कैन कम एंड बाय ये भी सब फिफ्टी परसेंट पर थे मुझे नहीं लगता कि ये जे वाला स्पाइस ट्रैक है ये किसी काम आ सकता है मुझे नहीं लगता क्योंकि कितनी थोड़ी क्वान्टिट्टी इसमें चीज़ की जाती है कितनी बार उसे रिफ़ल करोगे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो खैर यहाँ से मैंने एक ऑयल बॉटल ली है जिसके बहुत ही यूनिक काम है तो मैंने कहा उसको लेते हैं वो मेरे काम आएगी आगे कुकिंग में और मेरी जो मैंने सोचा है कि यार हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है उसमें तो वो मैंने एक बॉटल ली है जो कि घर जा मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक पूरा सेक्शन है जहाँ पर बर्तन ही बर्तन है प्लेट्स ये वो सब कुछ था मुझे अभी इधर समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कुछ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या करना चाहिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नया डिनर सेट लेती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वही दो तीन डिनर सेट जो मेरे पास है उन्हीं को मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ तो ये ग्रेश ब्लूश सा था जो कि देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन रेल में बहुत ही डल सा लग रहा था तो ये मुझे समझ से बाहर था और एक एक चीज़ जब आप उठा के अपना डिनर सेट बनाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी और यहाँ पर आपको एक एक ही चीज़ मिल रही थी लाइक सेट्स में बहुत कम चीज़ें थी जो कि आपको सेट्स में मिल रही हो वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी लाइक हॉट पॉट और ये बाथरूम के लिए जो डिस्पेंसर्स और सोप डिश वगैरह के सेट्स आते हैं ऐसी चीज़ें सेट्स में थी बकाया टी सेट डिनर सेट ऐसी चीज़ें सेट्स में मुझे कहीं नहीं दिखी इस स्टोर पे नहीं दिखी और यहाँ पर पायरक्स के सॉस पैन फ्राइंग पैन वॉक वगैरह उसका भी सेक्शन था और इन सब पे भी फिफ्टी परसेंट ऑफ था तो काफ़ी लोग इन इस ब्रांड को यूज़ करते होंगे काफ़ी लोग नहीं भी करते होंगे लेकिन अगर आप मस्कत में कहीं ढूंढ रहे हैं तो ईजी लाइफ मस्कत में आपको पायरक्स की हर एक चीज़ मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ बहुत यूनिक चीज़ें भी थी जिनको देखे आपको लगता है कि आए, हाँ ये मैंने पहली बार देखी है तो इस सेक्शन में भी काफ़ी छोटी 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 चीज़ें थी आ, कुछ केक को डेकोरेट करने के लिए कुछ पाइपिंग बैग्स बड़े यूनिक से थे इससे किचन स्केल बहुत अच्छी क्वालिटी के पड़े हुए थे तो बहुत अच्छी चीज़ें थीं अगर किसी को बेकिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो यहाँ पर ज़रूर आए और अपने बेकिंग के शौक़ को आकर यू you नो know, यहाँ पर पूरा कर ले बिकॉज यहाँ पर सारी हाई एंड चीज़ें आपको मिलेंगी तो ये एक सेक्शन था जो कि यूजली हम रेस्टोरेंट्स में छोटे छोटे बर्तनों में हमें सर्व किया जाता है वो सारी रेंज यहाँ पर थी कॉपर की एंड स्टील की और फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हम आ, स्टेक के लिए जो डिशेस यूज़ होती हैं उस मटेरियल uh, के छोटे छोटे पॉट्स पैंट्स ये चीज़ें पड़ी थी जो कि बहुत हटकर थी लेकिन बहुत वज़नी थी समझ से बाहर था कि आप इनको उठा कर खाओगे कैसे सर्व कैसे करोगे वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था और बहुत वजनी थी यहाँ पर सेक्शन है जहाँ पर सारे मग्स ही मग्स हैं तो मग्स की जो वाइटी थी वो बस ओके ओके थी मुझे इनमें से कुछ इतना हास नहीं लगा बस सही लगे थे और एक मैंने लिया है जो कि घर जा मैं आपको दिखाऊंगी और बस वो मैंने फोटो सेक ले लिया कि हाँ मैं बोर हो चुकी थी अपने मग से तो मुझे लगा मुझे एक नया यहाँ से लेना चाहिए जो इस स्टोर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो ये थी कि अगर आपने सेल शॉपिंग करनी है ब्रांडेड चीज़ें लेनी है अच्छी हटकर चीज़ें लेनी है तो उसके लिए ये स्टोर बेस्ट था अगर आप या अगर यहाँ पर सेल नहीं है तो फिर ये स्टोर बहुत महंगा है फिर ये स्टोर महंगा है और फिर यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की जो कि यूजली इतनी महंगी नहीं होती वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी महंगी मिलेगी लेकिन अगर सेल में कोई आगे कर शॉपिंग करना चाहता है तो ये कुरम में है अलहारती कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ ईजी लाइफ मस्कत आपको दिख जाएगा ब्रिज से जैसे आप आ रहे होंगे नीचे आपको ईजीली नज़र आ जाएगा मेन पर है लेकिन अगर सेल है तो आइएगा अगर सेल नहीं है तो फिर आने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत महंगा स्टोर लगा मुझे थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें ली हैं मैंने वो ऐसी चीज़ें ली हैं जो कि मुझे ज़रूरत भी थी और मुझे चाहिए थी और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जो कि मुझे फैसिनेट कर रही थी और मैं लेना चाह रही थी लेकिन ले नहीं पा रही थी तो ये मेरी कोई शॉपिंग है ये मैंने की है आधे से ज़्यादा बिल मेरा हो चुका है यह अभी पीछे से जाकर मैं एक ट्रॉली भरकर लाई हूँ पहले हस्बैंड को जो मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी वो मैं हस्बैंड को दे चुकी थी वो बिल करवा चुके थे भैया कुछ छोटी 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 चीज़ें मुझे दिखी तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं क्योंकि मेरा इस साइड पर आना बहुत कम होता है बहुत कम सो so, शॉपिंग हमारी हो गई है डन और uh, काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं और यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब नई नई चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है सभी को अच्छा लगता होगा तो मेरी भी शॉपिंग हो गई है डन जिसका हॉल मैं आपको खर्चा कर दूँगी सो so, अभी हम इस साइड पर आए हैं काफ़ी महीनों के बाद तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था वड़ा पाव खाने का तो यहाँ पर पीछे रुई की साइड पर जाकर एक बहुत ही फेमस वड़ा पाव है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने कहा वो खाते हैं क्लिनजिंग प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो चुका है नाइन डेज़ का माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो so हैप्पी विद द रिज़ल्ट कल इनशाला डिटेल में शेयर करूँगी तो फिर मैंने कहा आज जा वड़ा पाव खा लेते हैं क्योंकि कल से फिर मुझे एक नया प्रोग्राम शुरू करना है तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चीट डे कर लेते हैं तो सुबह मैंने वाटरमेलन जूस पिया था शाम दोपहर में अभी यहाँ से हम लोग खाने लगे हैं वड़ा पाव और एक मैं खाऊंगी और हस्बैंड एक खाएंगे बस और ये मेरा तो मेरे लिए तो ये एक वड़ा पाव भी ना बहुत ही ज़्यादा वो मुझे खुशी दे रहा है क्योंकि नाइन डेज़ के बाद आई एम गोइंग टू हैव समथिंग लाइक काब्ज और आलू और स्टार्च और इस तरह की नौ दिन के बाद मैं ऐसी चीज़ें खाने लगी हूँ क्योंकि नाइन डेज़ में I was strictly following that plan. मैं उस plan को follow कर रही थी देखना चाह रही थी कि उस plan से मैं कितना lose करती हूँ मुझे क्या उसके कहते हैं ना क्या फ़ायदे दिखते हैं वो जो जो कि बहुत ही बेस्ट रहा है मेरे लिए एंड आई एम सो हैप्पी विद द रिज़ल्ट इन शह कल आपसे शेयर करूँगी अभी मैं खा रही हूँ ये मज़ेदार सवरा पाओ और एंड कर रही हूँ इसी ब्लॉग कर यहाँ पर कल आपके साथ शेयर करूँगी हॉल और आपसे मिलेंगी एक नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ चिल्ड्रेन के टेक केयर अला हाफिज़ स्टे ब्लेस स्टे हेल्दी स्टे पॉजिटिव सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट एंड शेयर